थे सिर्फ अपने गवर्नमेंट जो सरकारी कर्मचारी कह सकते हैं, आज हमारे पास में साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के साथ में अभी रीट में करीब 7 से 8 छात्राओं के जो प्रशिक्षक शिक्षक है उनके 110 से ऊपर अंक आए। मैं उन सभी को बधाई दूंगा, सभी को शुभकामनाएं दूंगा। मैं आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपने आयोजक टीम का कि आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, हम सब मंचासीन अतिथि जो बैठे हैं सभी नेताओं को आपने बुला दिया। होना ये चाहिए कि जितने भी अपने आईएएस आरएएस अधिकारी है उनको बुलाए, जिससे क्या होगा कि जैसे गुरु महाराज का सानिध्य तो हमें मिल रहा है, ये तो हमें शिक्षा के बारे में बताएंगे, प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी बैठे हैं उनका भी सानिध्य मिल रहा है, लेकिन जो आईएएस आरएएस कैसे बनते हैं, क्योंकि प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा था और उसमें मंच पर मैं ये भी कहूंगा कि जो भी साथ अपने गवर्नमेंट सर्वेंट बने उनको भी यहाँ मंच पे बुलाना था और मंच पे बिठाना था, उनको भी सम्मान करना था और हमेशा करना चाहिए जो यहाँ पर है। मैं निवेदन करूंगा कि आगामी जब भी अपना सम्मान समारोह हो तो अधिकारी जो भी है अपने समाज के जो जो अधिकारी है उनको बुलाए और उनके द्वारा ये उद्बोधन दिलवाए कि हमें आईएएस कैसे बनना है, आरएएस कैसे बनना है, या डॉक्टर बनना है तो कैसे बनना है। अभी भरत जी ने कहा था कि राजनीति में भी राजनेता भी बनना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा राजनेता ये कोई आपकी अलग है सेवा है, ये आप एक अच्छा मंच प्राप्त करने के बाद या शिक्षक बन गए या सिर्फ डॉक्टर बन गए या व्यापारी बनने के बाद या सेवा के कार्य में जाना है तो आप 50 साल आप जा सकते हो। इसमें नेताओं में तो पूरे क्षेत्र में आप देखोगे एक दो ही होते हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक बनता है, प्रधान बनते हैं तो पंचायत समिति में एक बनते हैं, बाकी किसी के कोई सेवा का काम होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँ राजनीति क्षेत्र में जाने का कोई गलत बात नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन एक मंच प्राप्त करने के बाद आपको एक जगह मिलनी चाहिए कि हम अब मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मुझे सेवा का काम में लग जाना चाहिए, अब मुझे सेवा करने का, अगर मैं सेवा करता हूँ दूसरे क्षेत्र में जाकर तो मुझे अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे पारिवारिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे सामाजिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ही हम राजनीति क्षेत्र में जाए तो अच्छा रहेगा। मैं आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आयोजक कमेटी को बधाई देते हुए ये कहूंगा कि जो छात्र और छात्रा यहाँ सम्मानित हुई है उनको मैं कहना चाहूंगा कि बावत्रा, जब मैं आज 97 में जब छात्रावास जालौर हॉस्टल में पढ़ता था तब बावत्रा के प्रवीण सिंह जी वगैरह थे, जबर सिंह जी और प्रवीण सिंह जी वगैरह थे, अब आधा हॉस्टल बावत्रा का होता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जब पूछते हैं तो कहां के, तो सभी बावत्रा के छात्र कॉलेज में होते हॉस्टल में होते हैं, क्योंकि जो जागृति आई है अपने बावत्रा गांव में इसके लिए मैं बधाई दूंगा, इस शिक्षा समिति के द्वारा ही ये जागृति आई है, क्योंकि जिस प्रकार से आप प्रत्येक वर्ष एक गांव विशेष का प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी आयोजक और मैं बधाई उनको भी देना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए भामाशाह के रूप में अपनी गाड़ी कमाई दी है, उन्होंने भी अपना इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि कार्यक्रम करने वाले समय दे सकते हैं, समय के साथ साथ में इस कार्यक्रम को करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, रुपए की आवश्यकता होती है। मैं सभी यहाँ बैठे पंच परमेश्वर से विनती करूंगा कि ऐसे अगर आयोजन अपने युवा पुत्र करते हैं और इस प्रकार का आयोजन करते हैं तो उनको आप बढ़ चढ़कर इन भामाशाह के रूप में ले और अच्छे बच्चों को अच्छे इनाम कैसे दे, कोई अलग अलग टाइप के इनाम कैसे मिले, अलग अलग उसमें भी घर पे जाकर ये लगे कि उसने इनाम प्राप्त किया, पारितोषिक जो प्राप्त किया उसको भी वो सजा के रखे, ऐसी मैं आप सभी से कामना करता हूँ। पुनः सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में सफल बनने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, किसी भी क्षेत्र में जाना है, भले खेल में अभी जिला स्तर पर भाला फेंक में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया उसको तो भले ही है, सभी क्षेत्रों में भले वो खेलकूद क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, भले वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, अन्य अन्य जितने भी अपने 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 को लगता है कि मैं इस क्षेत्र में, मैं किसी कलाकारी के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा स्थापित कर सकता हूं तो उसमें भी जाना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में जिसको अपने को लगता है कि मैं इसमें कुछ नया कर सकता हूं, मैं कुछ इसमें हटके कर सकता हूं, उस सभी में भाग लेना चाहिए। मैं पुनः बधाई देता हूं सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने
किया, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। जय हिंद, भारत माता की जय।